सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 5 मई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2079 मास चल रहा है वैशाख का, तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है मृक्षरा, योग है सुकर्मा और करण है वेष्टि। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए पिछले कुछ समय से आप जो भी अपने काम को बनाने के लिए या व्यापार के आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पिता की तरफ से प्रेम स्नेह और सामाजिक पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति हो जाए, करियर में लाभ मिलने की, वृद्धि होने की स्थिति आपके लिए दिखती है, बहुत ही शुभ दिन आज आपके लिए कहा जा सकता है। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, वाणी पर नियंत्रण आप किसी भी स्थिति में न खोएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए भविष्य के मुनाफे का प्लान आज आप बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी, कोई चूक हो सकती है। ओम साम घोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी काम को आरंभ करने में आपको कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, फिर आपका काम बहुत आराम से स्मूदली आगे बढ़ सकता है। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति आज आपके लिए बहुत उत्तम दिखाई देती है, यानी आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा और बच्चों की तरफ से भी आपको संतुष्टि मिलेगी। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन शैली को समृद्ध और मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहेंगे, धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, धैर्य किसी भी स्थिति में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए धन संबंधी मामलों में कठिनाई की संभावना है, लोन किराया खरीदना बेचना हेतु कुछ ऐसा काम आज आप कर सकते हैं, इसमें आज आपकी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है। ओम सर्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से आपको करना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आपके अपने रिश्ते आपसे दूर ना हो जाएं काम के सिलसिले में। ओम सर्व तनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी को रुपये पैसा उधार देने से आपको बचना होगा। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का बोध होगा, पुराने संपर्कों का आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाणी पर संयम रखें, नवीन संबंधों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार और मद्यपान के सेवन और प्रयोग से आपको बचना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के कार्यों में लाभ की स्थिति बनेगी, संतान पक्ष समृद्ध होगा, बहुत प्रयास के बावजूद भी अगर सफलता न मिले तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइए, निराश मत होइए। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन संबंधों से लाभ मिलने की स्थिति दिखाई देती है, कार्यस्थल पर स्थानांतरण और पदोन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूजा पाठ के जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं दैनिक जीवन के, उससे जुड़े हुए हमारे शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं, और ये नियम कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए
इनको चार अलग अलग एपिसोड्स में, चार टुकड़ों में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको इसका पार्ट वन बता रहा हूं। आगे के एपिसोड्स में भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत रोचक है। इनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और बहुत आपका इससे ज्ञानवर्धन भी होगा। जो चीज़ें आप नहीं जानते थे, जो बातें, जो नियम, महत्वपूर्ण नियम पूजा पाठ के आप नहीं जानते थे, वो भी आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमको फल की प्राप्ति नहीं होती। हो सकता है ऐसी कोई गलती आप कर रहे हों, ऐसी कोई कमी रह जा रही हो जिसके वजह से आपको पुण्यफल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या है वो नियम जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पूजा तो सब करते हैं, परंतु यदि नियमों को ध्यान में रख करके पूजा किया जाए तो उसी पूजा पाठ का हम अत्यधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। वो नियम जो हैं वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए और बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला ये है कि भगवान सूर्य, गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये पंचदेव, पांच देवता कहलाए जाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए, इससे धन, लक्ष्मी और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा ये कि गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, सूर्य देवता को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं उनसे, उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। दुर्वा जो एक प्रकार की घास होती है उसे रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। केतकी का फूल भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। कमल का फूल पांच रात्रि तक उसमें जल छिड़क करके आप प्रयोग में ले सकते हैं, वह अशुद्ध नहीं माना जाता। बिल्व पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क करके भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।